हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सैनिकों, आप एकदम सही होगे, स्वस्थ होगे, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। और आपको पता है कि आपकी मेन लड़ाई आने वाले फरवरी के एग्जाम में है, नेक्स्ट ईयर में है, जब आप 12 क्लास का एग्जाम देंगे। स्टूडेंट्स, उसकी तैयारी अभी से हम लोग कर रहे हैं, एक टॉपिक दे करके, एक वीडियो की सीरीज बना करके, जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है टारगेट 2023। तो आइए, आप सब लोगों का, आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है टारगेट 2023 में, जिसमें आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस चैप्टर से? तो केमिकल काइनेटिक्स से। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी तैयारी में। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दें कि हम लोग सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर में। तो आप पीछे वाले को जो वीडियो है उसको आप देख करके पढ़ें, समझें और अपने आप को एक सैनिक के रूप में, बेजोड़ सैनिक के रूप में, जिसके सामने दुश्मन टिक न सके, तैयारी में जुट जाए। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। दोस्त, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम लोग के से सूचित करते हैं और आपको पता लगाना है उसकी के की इकाई क्या होती है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, उस फॉर्मूला पर आप ध्यान देंगे। वेग स्थिरांक के, इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, के की इकाई, के की जो इकाई है उसका एक फॉर्मूला होता है मोल प्रति लीटर 1 - n - 1। दोस्त, ये फॉर्मूला आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, जेहन में डाल लीजिए। इस फॉर्मूला से मोल पर लीटर 1 - n - 1, सेकेंड की जगह पर समय भी लिखा जा सकता है, टाइम, चाहे प्रथम कोटि हो, शून्य कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, डेढ़ कोटि, अढ़ाई कोटि, जितना कोटि हो सबको सॉल्व करेगा आपका ये मास्टर फॉर्मूला। कैसे? तो देखो भाई, आपको कहा गया प्रथम कोटि, तो ऐसा करो मेरे भाई कि जहां एन लिखे हो ना, एन एन जो है वो अभिक्रिया की कोटि है, इसी को कोटि कह रहे हैं आप, इसको कोटि कह रहे हैं, माने अभिक्रिया की कोटि कहने का मतलब। तो आप इसके जगह पर रख दीजिए क्या चीज, तो जब एन बराबर वन, एन बराबर वन का मतलब हो गया प्रथम कोटि, इसका मतलब हो गया प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि के लिए तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, के इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - 1 - 1 मोल पर लीटर के पावर हो गया 0 - 1, मतलब हो गया 2 - 1। तो दोस्त, आप देख रहे हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के की इकाई है, मतलब वेग स्थिरांक के की इकाई है, वो आ गया 2 - 1। अतः आपके इस चॉइस में से समय -1 लिखा है, क्या किया जाए बोलिए। अरे यार, समय की इकाई ना सेकंड होती है, अतः आप एकदम से नहीं घबराइए कि यार वो तो समय है और यहां सेकंड आ गया, एकदम सही है, 2 - 1। अब अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी के अभी 3 क्वेश्चन आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बोलिए। अभी वीडियो को पॉज करिए, रुकिए, आप जो है ना 0 ऑर्डर, शून्य कोटि के लिए आप के की इकाई मुझे भेजिए, आप प्रथम कोटि के लिए तो हमने बना दिया, आप इसको छोड़ दीजिए, आप दूसरे कोटि के लिए और तीसरे कोटि के अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होगी मुझे कमेंट करके तुरंत के तुरंत आप भेजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, यह डिस्प्ले हो रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस लाइन है। एक हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल का मान किस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसके पहले देखिए ये प्रश्न, सॉरी ये फॉर्मूला, इसको मैं मिटाते चलूंगा, आपको नोट करना है, नोट करते चलेंगे। ओके, तो देखिए, चूंकि जगह कम है भाई, जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो जगह रहेगा पर्याप्त, फिलहाल इसी में काम चलाना है हमें और आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं
जीरो ऑर्डर की। अब आप कहेंगे जीरो ऑर्डर आगे पढ़ते हैं, तो मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है ना कि केवल उसी एक क्वेश्चन पर अटका के रखना है। तो फॉर जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर के लिए देखिए हम आपको बताएंगे इसके लिए दो फॉर्मूला। एक टी का वैल्यू मतलब उसके पूरा समय जो आवर्त काल जो समय होता है वो होता है आर नॉट माइनस आर बटा के, और इसी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है आर नॉट बटा टू के, जहां आर नॉट जो है प्रारंभिक माने शुरू की सांद्रता है। अक्सर आर नॉट की जगह पर मैंने देखा है बहुत सारे किताबों में ए नॉट लिखा रहता है, एकदम घबराना नहीं है, कुछ उसका मतलब नहीं आप लिखना, इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता, शुरू वाली सांद्रता, और ये जो है अभिक्रिया होने के बाद की सांद्रता। के जो है वेग नियतांक है, समय समय ये टी टाइम है, समय है, और ये टी हाफ क्या अर्ध जीवन काल है। तो ये दो फॉर्मूला आपको न केवल याद बल्कि कंठस्थ चाहिए। अब आते हैं प्रथम के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम दो फॉर्मूला लिखेंगे दोस्त। टी बराबर 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बटा आर, ये टी निकालने का फॉर्मूला। और इसी में अगर आर जो आर नॉट है ना उसको छोड़ के आर के जगह आर नॉट बाई टू कर दीजिएगा तो इसके टी हाफ का वैल्यू निकल जाएगा और वैल्यू आएगा 0.693 बाई के। तो ये चार फॉर्मूला हुआ, एक दो तीन चार, एकदम डेफिनेटली दिमाग में सेट करिए, इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु का मान निर्भर नहीं करता है, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है आपको ये बताना है। अच्छा देखो भाई, इसमें कहीं सांद्रता जैसी आर जैसी टर्म है क्या? आर नॉट शुरू की सांद्रता, उसमें कोई आर नॉट दिख रहा आपको? तो ये तो सांद्रता से स्वतंत्र है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कहां है मेरे भाई सांद्रता? तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब आते कुछ और बात आपसे करना चाहेंगे। देखिए अभिक्रिया की कोटि का मान करीब तीन चार बातों के लिए उसके लिए ध्यान रखना। एक, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की कोटि ताप बढ़ाने से ये वेग स्थिरांक की बात कर रहे हैं, जो वेग स्थिरांक है उसका मान बढ़ता है, ठीक है, और वेग स्थिरांक का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया एक ही को लीजिए, कोई को अभिक्रिया लीजिए और उसका ताप बढ़ा दीजिए तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ताप बदल देने से अभिक्रिया का वेग भी बदल वेग बदल जाता है, मतलब वेग स्थिरांक का भी मान बदल जाता है। और वेग का मान जो होता है ना, वेग का मान वो तो प्रतिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ताप पर डिपेंड करेगा, दाब पर निर्भर करेगा, लेकिन 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 अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रतिफल की जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करता, साथ ही साथ दाब पर निर्भर नहीं करता, और यहां तक कि आयतन पर भी निर्भर नहीं करता। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी इन सब बातों को। अगला क्वेश्चन है अरहेनियस का समीकरण है। भाई साहब अरहेनियस ने एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा समीकरण दिया था, आपको याद रखना होगा के इक्वल टू ए ए के पावर माइनस ए बाई आर टी, जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ए को अरहेनियस गुणक कहते हैं, पूर्व चर घातांक की गुणक कहते हैं, ई जो है एक्सपोनेंट हो गया, ई ए का नाम है सक्रियन ऊर्जा, आर जो है वही पी वी बराबर एन आर टी वाला आर है, नियतांक है, टी है टेम्परेचर। तो आप देख लीजिए, खोज लीजिए के बराबर ई ए के पावर माइनस ई ए बटा आर टी कहाँ है, तो ये मुझे दिख रहा है कि पहला चॉइस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो इसी क्वेश्चन के लिए मैं बातें कर रहा था आपसे कि वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है, तो सबसे पहले बात आइए कहां नहीं निर्भर करता है, तो आयतन पर निर्भर नहीं करता है। दाब कहां भाई, इसमें कहीं दाब नहीं है, अगर दाब रहता तो दाब पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है, सॉरी दाब नहीं, दाब पर कर भी सकता है, आयतन पर तो निर्भर नहीं करेगा, जो प्रतिकारक की सांद्रता है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रतिफल की सांद्रता है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये निर्भर कौन सी करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है,
ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, और जितना ज्यादा वेग स्थिरांक बढ़ेगा मतलब अभिक्रिया उतना ही तेज गति से बढ़ेगा। एकदम से नोट कर लीजिए, एकदम से नोटवर्थी पॉइंट है कि इसका जो मान होता है वेग स्थिरांक का प्रतिकारक की सांद्रता पर, प्रतिफल की सांद्रता पर, आयतन पर, और मैं दाब लिख के काट दिया, दाब पर भी डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा, दाब पर भी निर्भर नहीं करता। तो निर्भर कौन सी पर कर रहा है? ताप पर। और याद रखिए, ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक के का मान बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। आप नोट करिए, ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। नोट करिए, फिर से दोबारा सुनिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान दाब पर, प्रतिकारक की सांद्रता पर, प्रतिफल की सांद्रता पर, आयतन पर निर्भर नहीं करता। इसे नोट करिए, आगे काम आएगा। चलिए, नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है, अब आते हैं किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, यह वेग जिसको हम लोग दर भी कहते हैं, इसी चीज को हम लोग दर कहते हैं या वेग कहते हैं, और वेग स्थिरांक ये तो के हो गया कि इकाई समान होगी। तो देखो ना भाई, के की इकाई है वहां, तो पहले अगर हम लोग ये पता लग जाए कि वेग का इकाई क्या होता है, अभिक्रिया के दर की इकाई क्या होती है, तो आप यहां पर याद रखेंगे, अभिक्रिया के दर की जो इकाई होती है, दर की इकाई, दर माने वेग, एक ही चीज, वेग की इकाई वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप देखिएगा जरा कि ऐसा कौन सी अभिक्रिया की कोटि है जिसमें अभिक्रिया के वेग और वेग की जो वेग स्थिरांक है उसका मान बराबर हो जाएगा। तो देखिए ना, के का वैल्यू क्या है? मोल पर लीटर, एक माइनस एन, सेकेंड माइनस वन। तो सोचो दोस्त, अगर एन के जगह पे अगर शून्य रख दिया माने जीरो ऑर्डर के लिए, तो क्या होगा? ये मोल पर लीटर सेकेंड माइनस वन होगा। यही इकाई किसकी है? अभिक्रिया की वेग की, मतलब शून्य कोटि का अभिक्रिया जो होता है उस शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की इकाई दोनों का मान बराबर होता है। तो इस तरह से आप इसे नोट करें। कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से मैंने एक लिखा हुआ, दूसरा जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक दो और ऐसा क्वेश्चन डालूंगा। क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। अब देखो भाई, उस सवाल के जवाब को जानने के लिए, अच्छी तरह जानने के लिए मैंने रटना ना पड़े, हमने एक वीडियो बनाया ग्राफ के ऊपर, बनाया हुआ कि कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाए कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। आइए जरा सवाल को समझते हैं। कौन सा ग्राफ अभिक्रिया दिया हुआ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? दोस्त, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि शून्य कोटि के जो अभिक्रिया होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैंने कुछ ही देर पहले लिखा था आपको कि आर नॉट माइनस आर बाई के, यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला। लेकिन इत्फाक से यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ए और बी में दिखाया गया है, तो मैं ऐसा करता हूं, उसको ए कर देता हूं और ए नॉट हो गया और ये हो गया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए बी सी डी दुनिया जान कुछ भी लिखिए। अब जरा इसको कैसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के टी इक्वल टू हो गया ए नॉट माइनस ए, हो गया ऐसा। अब ऐसा करते हैं दोस्त, इसको चूंकि ये तो प्रारंभिक सांद्रता है ना, शुरू वाली सांद्रता जो कि कांस्टेंट होती है, नियत होती है, और ये होती है बदलने वाली टी समय की सांद्रता है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर कर देते हैं और लिख देते हैं ए इक्वल टू। ऐसा इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ए के टर्म में दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ अधूरा रह गया, एक्चुअली यहां पर ए का सांद्रता दिखाना चाहिए, जहां से मैंने क्वेश्चन लिखा जिस क्वेश्चन बैंक से वहां पर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, अभी आकर माइनस से प्लस हो गया, तो माइनस के टी और प्लस ये ए नॉट। अब जरा देखो दोस्त, हमने आप लोगों को सिखाया होगा ग्राफ में कि ये वाई हुआ, ये एम हुआ और ये x हुआ और ये c हुआ, a नॉट है ना, ये हो गया c। तो m का मान नेगेटिव हो गया,
तो आप देखिए एक वाई के जगह पर क्या है ए हो गया, एकदम सेम टू सेम वही आएगा। एक्स के जगह पर क्या है टी, देख रहे हैं एक्स और टी में आ गया। ग्राफ मेरे दोस्त दिखाया जा रहा है यहाँ पर, मान लीजिए सी है, ए नॉट हो गया। आपका ग्राफ जो एम नेगेटिव है तो ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। आप जरा ध्यान से देखिए चारों ग्राफ में कौन ग्राफ है जो नेगेटिव जो है क्या बोलते हैं ढाल को दिखाता है। तो ये तो बाही कांस्टेंट दिखा रहा है, बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा क्या इसका आंसर आपने टीक लगा लिया। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमें वो पता था कि फार्मूला क्या होता है। अगर वो फार्मूला नहीं पता होता यकीन मानिए इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आइए जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि समीकरण के बराबर दिया हो गया है, ये के बराबर ए के पावर 3/2 बी के पावर 1/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि। दोस्त ऐसे क्वेश्चनों से कंपटीशन की दुनिया और बाकी एकेडमिक जो एग्जाम होते हैं क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, एकदम भरा पड़ा हुआ है। क्या मैं इसको मिटा दूं? आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए एक नहीं दो नहीं चार नहीं सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए। फॉर्मूला यह है कि आपके पास वेग बराबर रेट बराबर कुछ आप ऐसे आर लिखा रहेगा कि ए के पावर एक्स चाहे अल्फा दे देता हूं और बी के पावर बीटा दे देता हूं। इसको बोलते हैं वेग समीकरण हो गया। ये दर समीकरण वेग समीकरण में ये जो घात है पावर है उसी को जोड़ दीजिए अल्फा प्लस बीटा, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से दुनिया जानती है, जिसका वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, दो हो सकता है, इवन कि डेढ़ हो सकता है, अढ़ाई हो सकता है। जनरली उसका मान जीरो से लेकर तीन तक होता है। तो आपको याद रखना है यहां पर जो रिएक्शन दिया गया है वो यहाँ पर R बराबर दिया हुआ है वेग बराबर K और A के पावर दिया गया है दोस्त 3/2 और B के पावर दिया गया है 1/2। भैया है यह है अल्फा और बीटा, जोड़ दो अल्फा और बीटा का मान निकल गया मैंने 3/2 अब प्लस 1/2, इसी को कहेंगे आप कोटि अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितना हो भाई? तो हो गया कितना 4/2, मतलब हो गया 2। अब हम बताएंगे तो ही टिक लगाएगा क्या? नहीं ना, तो आप लगा लीजिए। अच्छा चलिए आपका मन रख देते हैं हम कहाँ भाई, तो हो गया ये। इसका क्या मतलब निकला कि आपको केवल वेग नियम समीकरण कोई बता दे आप अभिक्रिया कोटि चुटकी बजा के निकाल देंगे। चुटकी भी बजाने की जरूरत क्या, मन ही मन जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा एक अब थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा सा रुकिए, अगला क्वेश्चन मत देखिए, आंख बंद करिए। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। R बराबर के e के पावर लिखा हुआ है कुछ नहीं और b चाहे एक पावर हमने लिख दिया मान लीजिए 2 लिखा, b के पावर माइनस लिखा और एक और क्वेश्चन है R बराबर के यहां पर कुछ नहीं और b के पावर भी कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं माने कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब उसका दोनों का आपको अभिक्रिया कोटि भेजना, ठीक है ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, भाई साहब एक बार फिर से आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे। उत्प्रेरक को लेकर के एक पूरा वीडियो बनाया हमने, उत्प्रेरक बड़ा खतरनाक ये जो है ना ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि कैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। हाँ ध्यान रखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा कैटलिस्ट नहीं कहते। कैटलिस्ट का मतलब वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। तो कैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, कैसे सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, आप लोगों को याद होगा मैं एक बार बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट के रूप में बदल गया बिना उत्प्रेरक के। तो जब दोस्त इसमें उत्प्रेरक डालिएगा ना तो यही आपका रिएक्टेंट है और वही प्रोडक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, बस रास्ता होता है ना उसको छोटा कर देता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को छोटा कर देता है, मैंने सक्रियण ऊर्जा का मान जो इतना था उसको घटा के इतना कर देता है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को छोटा कर देता है, लेकिन सबके बावजूद क्या क्या नहीं बदलता है
इसके बारे में भी उत्प्रेरक को लेके बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे जो एंथैल्पी अब जो रिएक्शन है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। तो दोस्त अभी फिलहाल के दौर में मैं आपको मैंने यहाँ पर एक तो सजेस्ट कर ही रहा हूँ कि आप उस उत्प्रेरक वाले वीडियो को देखिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि पार्थक रिएक्शन छोटा कर रहा है, सक्रिय ऊर्जा घटा रहा है। और यहाँ पर देखिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम करता है, पहला चौथा प्रतिफल का सांद्र, यार सांद्रता से लेना देना इसका उत्प्रेरक का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं, दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ सक्रियण ऊर्जा जिसको ये कहते हैं उसके मान को क्या करता है, घटा देता है, बात सही है। प्रतिक्रिया के पथ को नहीं बदलता, ये अगर रहता कि बदल देता तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि प्रतिक्रिया के पथ को बदल के छोटा करता है। अगर प्रतिक्रिया के पथ को बदल के बड़ा कर देता तो फिर से एक बार गलत हो गया, जो अभिक्रिया है प्रक्रिया है। यूं कहें कि अगर अभिक्रिया की मैकेनिज्म बदलता है तो वो भी सही बात होगी, क्योंकि पथ छोटा करना माने मैकेनिज्म बदलना माने क्रियाविधि। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, उसमें कहीं मैकेनिज्म के बारे में है, कहीं पथ को लेके है, कहीं सक्रिय ऊर्जा को है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी हम आपके लिए रखेंगे जल्दी ही। अब आते हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि मेरे बिना बताए कोई आदमी नाइन्थ अगर वाला जवाब दीजिए। आप आंसर मत देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आप देखिए ये केमिकल काइनेटिक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बात सही है, उसी चैप्टर का है भी ये सही हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का रिलेशन इनऑर्गेनिक से भी है आपके। देखिए नाइट्रोजन यहां पर लिखा जा सकता था और जी लिखता मजा आ जाता, यह गैसीय है, यह भी गैसीय ही होता है। अब इसको कहते हैं वो हैबर विधि। ये जो रिएक्शन है इसे मिटा दूं थोड़ा, आप नाराज तो नहीं होंगे ना। देखो भाई N2 ये गैस और H2 गैस, ये रिएक्शन करता है ये तीन मोल और ये बनाता है 2NH3, ये भी गैस बनाता है, साथ में यहां पर एनर्जी जो है ना निकलता है, इसको अमोनिया बनाने की हैबर विधि कहते हैं। हैबर ये अमोनिया बनाने की कौन सी विधि है, हैबर विधि है। और हैबर विधि हो चाहे दुनिया की कोई भी विधि हो उसे फर्क नहीं पड़ता, यहां देखिए एनर्जी निकल रहा है, दिखाया गया है कि ऊर्जा निकल रहा है। तो कोई भी रिएक्शन जिस अभिक्रिया के दौरान, जिस रिएक्शन के दौरान ताप उत्सर्जित हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, उसके बारे में ली चैटरलियर एगो सिद्धांत देके मर गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर ताप कम करिएगा, ताप को घटाइएगा, तो जाके अभिक्रिया दे दनादन होगा, फास्ट होगा। ताप जहां बढ़ा है वो तो ताप अपने में से निकाल रहा है, ये तो ऊष्मा छेपी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया ना। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो खुद से ऊष्मा निकाला उसमें उसमें डालिए तो उसकी ग्रेविटी एक्टिविटी बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। तो ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन है, यह एक एक्सोथर्मिक माने ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये निकल गया, ली चैटरलियर का प्रिंसिपल कहता है, सिद्धांत कहता है कि ऐसे किसी भी अभिक्रिया में टेम्परेचर को डाउन करिए, जितना ही टेम्परेचर डाउन करिएगा उतना ही रिएक्शन तेज होगा। आप अपना टेम्परेचर डाउन करिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो भाई साहब अपना टेम्परेचर माने दिमाग का टेम्परेचर कहां रखना है, नीचे रखना है, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, ऊपर हो सके। बात समझ रहे हैं ना। तो NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, यार इतना बुर्बक थोड़ी ना है हम लोग, NH3 का उत्पादन घट जाता है। कौन से विधि से भाई, अगर एक सवाल कोई कर दे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जवाब होगा ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ली चैटरलियर प्रिंसिपल के सिद्धांत के हिसाब से चूंकि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है अतः इसका जो है ताप कम करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिए जा रहा हूं, आप मुझे इसको बताएंगे तुरंत कमेंट करके कि दाब को क्या करना होगा, दाब माने ज्यादा रखना होगा कि कम रखना होगा, मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ तुम लोग से यार शिकायत है, एक शिकायत तो मुझे करने का पता नहीं अधिकार है या नहीं, लेकिन एक शिकायत है, जब मैं कह रहा हूँ कि दाब के बारे में तो अपना कुछ तो बताइए कि दाब क्या कर, दाब बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, मतलब अमोनिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना उत्पादन बढ़ाना तो दाब को ज़्यादा करें कि कम करें, आप अपना विचार तो रखिए। मैं कह रहा हूँ कि ये इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक का अमोनिया का उत्पादन है, नहीं समझ पाता वहाँ जाकर देख तो लीजिए एक बार कॉपी खोल करके, ऐसा इतना भी नहीं कर सकते क्या, जरूर कर सकते हैं। चलिए अब है एक देखिए ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इसके लिखने का मेरा एक उद्देश्य है, पहले मैं अपना उद्देश्य से बता देता हूं। देखो भाई किसी रिएक्शन को देख करके
या उसे संतुलित करके आप ये नहीं बता सकते कि वह अभिक्रिया किस कोटि की है। फिर से रिपीट करूं क्या? रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी रिएक्शन को देखकर संतुलित करके आप नहीं बताया जा सकता कि अभिक्रिया किस कोटि की है। लेकिन आप तो कहेंगे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ है। तब उस कंडीशन में मैं आपके लिए एक बात सजेस्ट करने वाला हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दो चार उदाहरण याद कर लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दो चार उदाहरण याद कर लीजिए, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का भी दो चार उदाहरण याद कर लीजिए। आपने सुना, कुछ याद कर लीजिए कि ये प्रथम कोटि का है, ये शून्य कोटि का, ये द्वितीय कोटि का। इससे आपका राह आसान हो जाएगा। आप चूंकि सैनिक हैं, लड़ाई पर जाना है आपको, हम नहीं चाहते कि आपके राह में रोड़ा रहे, कांटा रहे। हालांकि उसे लड़ने की आपको क्षमता अपने विकसित होनी ही चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राह में क्या है, क्योंकि आप सैनिक हैं और राह के हर जो पत्थर पड़े हैं उनको आप ठोकर मार करके दूर करेंगे। लेकिन उसे दूर करने के लिए हम नहीं चाहते उसी में उलझ जाएं। सामने दुश्मन आपका है ना, वो मेन टारगेट है। पत्थरों को और ईंट पत्थर को नहीं मारना हटाना है। मेन एग्जाम आपके 2023 में होना है, आपका मेन जो दुश्मन खड़ा है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन छोटे छोटे चीजों को हटाएं। तो मैंने फिर से मैं कह रहा हूं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का क्या करना है आपको, तो कुछ रिएक्शन जो है ना उसके उदाहरण याद कर लीजिए। भाई साहब मैं आपको बता दूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मतलब इसका सही चॉइस है ये। अच्छा एक बात और, आप लोग की तैयारी को लेकर के, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब अभी से तैयार करिए। बाद में नहीं टाइम है, समय कितना जल्दी निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी देखिए ना, आप सोच रहे थे कि यार अगर तैयारी करेंगे तब तक गुजर गया, और बहुत सारा सब्जेक्ट का तैयारी करना आपको। केवल केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या बायोलॉजी है, आपके पास हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सभी सब्जेक्ट, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से एक है। हाँ, हम आपके साथ ही इस केमिस्ट्री को लेकर के, आप अपने साथ भी हो जाइए केमिस्ट्री को लेकर के। आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखता हूं, और इस तरह से हम दोनों आदमी का जो ख्याल है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर साबित होगा। तो उम्मीद करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे। बोलिए, जरूर निश्चित रूप से आप अपना ख्याल रखें। आप होशियार हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और इतनी उम्र हो गई कैसे बुद्धिमान होंगे नहीं आप लोग। तो आप अपने एग्जाम का ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। देखिए एग्जाम बार बार आता तो जीवन में जरूर है, लेकिन ये चांस बार बार नहीं आता। अगली बार आपको लगेगा यार एक बार मैं ये दोबारा एग्जाम दे रहा हूं। और ये जो पहला अटैक है ना, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको दोबारा अटैक की जरूरत ना पड़े। और यहां जब तैयारी करेंगे तो आने वाले कंपटीशन की तैयारी होगी। तो फिर अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और संभव हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।